तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू बेलरूम के एपिसोड नंबर 16 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो अगली बार मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हमारी फुजिता होता है और उसके साथ जो चीन होती है, वो दोनों यहाँ पर कंपटीशन के अंदर आ चुके हैं। चिन ने यहाँ पर फुजिता के बैक पर यहाँ पर लगा दिया है उसने नंबर 130 लगाने का मतलब है अब फुजिता जो है यहाँ पर एक लीडर है। और ये जो है ग्रैंड पिक्स की सीरीज वाला कंपटीशन है, यानी कि ये पहले कंपटीशन में आए हुए हैं। ये धीरे धीरे अलग अलग मैचेस करके अपने लेवल को अप करेंगे और फिर वो जाके एक फाइनल डांस के कंपटीशन में एंटर करेंगे। हम देखते हैं कि फुजिता यहाँ पर देखता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर यहाँ पर आए हुए हैं डांस करने के लिए। अब इनके डांस करने में वो बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डांस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फुजिता भी यहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देता है। पहला डांस वॉल जेट का होता है, जहाँ पर फुजिता को ये डांस आता है। ये सोचता है कि यहाँ पर कियोहारू तो दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ चीन बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है, गाकू भी यहाँ पर नहीं है, वो लोग कंपटीशन करने के लिए जर्मनी गए हैं। कियोहारू एंड यहाँ पर गाकू दोनों जो है एक अच्छे लेवल के डांसर है, इसीलिए उनके टूर्नामेंट जो होते हैं बाहर अब्रोड में होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है डांस के लिए जा रहे होते हैं, जो कि एक प्लेन में जा रहे होते हैं। यहाँ फुजिता जो होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो सोचता है मैं यहाँ पर अकेला हूँ। चिन जो होती है वो कहती है चलो हमारा नंबर आ गया। हम देखते हैं कि उसे खींच कर वो ले जा रही होती है। यहाँ पर जो चिन होती है उसका ध्यान अपनी दोस्त अकीरा पर जाता है, वो भी इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए आई हुई है। अब अकीरा जो है यहाँ पर उसे देख रही होती है और चिन उसे देखकर घबरा जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डांस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मन ही मन चिन सोच रही होती है कि वो यहाँ पर हराएगी अपनी फ्रेंड अकीरा को। यहाँ पर फुजिता जो होता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो बहुत ही आराम से यहाँ पर डांस कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे डांस करना सिखा दिया है मासीरा ने, क्योंकि मासीरा जो है एक बहुत अच्छी कोच है और साथ में वो जो है यहाँ पर टूर्नामेंट में जज करने के लिए भी आती है। तो वो जो है थोड़ा बहुत रिलैक्स करता है, क्योंकि उसे जो है अच्छे से मूवमेंट करना आता है। बट यहाँ पर मरीसा जो होती है वो उसे बताती है कि तुम्हें अभी मूवमेंट करना सही से नहीं आया है, ना तुम्हें अच्छे से टाइमिंग आती है। ये बातें उसके दिमाग में चल रही होती है डांस के वक्त। जैसे तैसे करके वो लोग फर्स्ट राउंड तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हम देखते हैं वॉल जेट डांस ख़त्म हो चुका है। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं, तभी अकीरा यहाँ पर उन दोनों को बुलाती है। वो कहती है कि तुम लोग क्यों आ गए हो ग्रैंड पिक्स कंपटीशन के अंदर, तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो यहाँ इन दोनों का मजाक उड़ाती है, आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो ऐसा हो सकता है लोग जो है आपको दबा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी चिन होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर तात्रा के साथ आई हूँ, यानी फुजिता के साथ, और नेक्स्ट राउंड जो है यहीं पर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि इस बार जो फुजिता है वो दोबारा से सोचता है कि उसने क्या सिखाया है मरीसा ने। मरीसा उन्हें बताती है कि तुम्हें जो है बेसिक डांस करके भी अच्छा पॉइंट लेना है, और जिस डांस में ये लोग आए हुए हैं वहाँ का सबसे अच्छा वाला जो डांस होता है वो टैंगो होता है, इसी से जज जो है जज करते हैं कि कौन सा गुड डांसर है। इसीलिए यहाँ पर वो बहुत अच्छे से डांस करना स्टार्ट कर देता है हमारा फुजिता। अब फुजिता का ध्यान जो है जैसे ही वो साइड में देखता है उसे पता चलता है कि कुकी मियाँ जो है यहाँ पर डांस करने के लिए आया है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा ही सीनियर है और डांस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसे देखकर उसे थोड़ी बहुत घबराहट हो जाती है, बट यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो कुकी मियाँ को पहले से ही जानती है और उसके लिए चेयर करना स्टार्ट कर देती है।
वो लोग सोचते हैं कि ये रिटायर हो चुका है, बट वो यहाँ पर आ चुका है। उसका नंबर जो होता है 117 होता है। यहाँ फुजिता जो होता है वो भी यहाँ पर हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसे भी अच्छा सा डांस करना है। हम देखते हैं कि ऑडियंस जो है उसका ध्यान इनके ऊपर भी आ जाता है, और वो लोग जो कहते हैं कि 130 नंबर भी बहुत ही अच्छा तरह का डांस कर रहा है और डिफेंस स्टाइल में भी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर डांस करना मरीसा ने बताया था, और साथ में उन्हें जो है किस तरह के पोस्चर में रहना है वो भी बताया था। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का पोस्चर होता है, इसीलिए लोगों का ध्यान जो है इसके ऊपर आ जाता है। अब वो इस मौके को छोड़ता नहीं है, वो बहुत ही आसानी से यहाँ डांस करना स्टार्ट कर देता है, बट उसका धीरे धीरे इस पोस्चर की वजह से स्टेमिना कम हो जाता है। अब फुजिता यहाँ पर एक टर्न लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चीन का जो पैर होता है एक यहाँ पंख पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी हील जो है वो फिसल जाती है। अब वो यहाँ पर गिरने वाली होती है, बट हम देखते हैं मरीसा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। उसने उसे पहले ही बताया था कि टैंगो में कभी कभी लड़कियां गिर सकती हैं, तो उसे जो है किस तरह से होल्ड करना है, तो वो पहले से ही सीख कर आया है। तो फुजिता यहाँ पर उसको होल्ड कर लेता है। एक वक्त के लिए कुगी मियाँ भी यहाँ पर उसको देखता है। हम देखते हैं कि वो दोनों जो है एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर फुजिता उसे होल्ड करता है, उसे फील होता है कि उसकी बॉडी के अंदर से उसकी आत्मा बाहर निकल रही है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हम देखते हैं कि यहाँ पर डांस ख़त्म हो जाता है, बट यहाँ पर जो हमारा फुजिता है वो अभी भी सदमे में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसी वजह से चीन जो होती है उससे नाराज हो जाती है और उसे खींचकर यहाँ से बाहर ले जा रही होती है। चीन जो है यहाँ पर फुजिता से नाराज है, क्योंकि फुजिता का जो माइंड है वहीं पर ब्लॉक हो गया था स्टेज पर, और उसने जो है एंडिंग नहीं करी सही से। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है, बट वो कहती है कि नहीं, तुमने गलती करी। हम देखते हैं कि वो जो प्लेन में बैठते हैं तभी भी अलग अलग बैठते हैं। यहाँ पर वो कहता है पता नहीं मेरे लेग से क्या निकल रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आया। यहाँ पर वो लोग जो है कंपटीशन के बाद मरीसा के पास आते हैं और बताते हैं ये सारी बातें। मरीसा कहती है कि मैं जो हूँ पहले ही जज रह चुकी हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी सॉरी कहने की। और साथ में वो ये भी कहती है कि हम जो है अगले वीक चलेंगे, कहीं और हमें जाना है। और हम देखते हैं कि अगले वीक जो है वो कहीं जा रहे होते हैं। अब इन दोनों को तो पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फुजिता और कुजी मियाँ दोनों जो है जगे हुए हैं, बाकी सब सो जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि कुजी मियाँ कि तुम जो है सो मत जाना फुजिता, क्योंकि सारे सो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा ड्राइव करने पर। तो वो जो है हंसने लग जाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो लोग जो है यहाँ लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। तभी उसका ध्यान जो जाता है वो सुजुका पर जाता है, जिसे देख कर यहाँ फुजिता जो है हैंग हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी यहाँ गाकू आता है और कहता है फुजिता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फुजिता कहता है कि मुझे जो है यहाँ मरीसा ने भेजा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चीन जो होती है माको से मिल रही होती है, और यहाँ सभी लोग जो है रात को खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते वक्त यहाँ बताती है चीन कि मेरी जो है लड़ाई हो चुकी है यहाँ पर फुजिता के साथ, तो मैं उससे कम बात करती हूँ। यहाँ पर जो गाकू होता है सोफे पर लेटे लेटे बताता है कि यहाँ पर फुजिता तुम्हें जो है फुल स्कोर मिला हुआ है। फुजिता भी चौंक जाता है कि उसे फुल स्कोर कैसे मिला है, बट उसने जो है बहुत ही अच्छे से टैंगो किया था, बस उसकी एंडिंग खराब थी, बट उसकी वजह से यहाँ पर उसे फुल स्कोर मिला हुआ है। हो सकता है मरीसा की कुछ जान पहचान हो या फिर इसकी मेहनत हो। यहाँ फुजिता बताता है इन दोनों को कि पता नहीं मुझे जो है टैंगो कर रहा था तो अजीब सा ही फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे पैर से दो और पैर बाहर निकल रहे हैं। कियो हारू बताता है कि ये नेचुरल है, ये सभी डांसर के साथ होता है, क्योंकि वो जो है डांस करते वक्त पूरे अपने बॉडी को फील करते हैं, और ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है या फिर दूसरी बॉडी उनके अंदर से मूव कर रही है। फुजिता जो है थोड़ा बहुत समझ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुजुकु होती है वो यहाँ रूम के अंदर बात कर रही होती है चीन के साथ। वो कहती है कि कपल डांस के अंदर हमें जो है बहुत ज्यादा यूनिटी बना के रखनी होती है, यानी कपल को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ता है। बिना ट्रस्ट के कोई भी डांस वो परफॉर्म करेंगे वो बेकार ही लगेगा, क्योंकि उनकी मूवमेंट जो है वो समझ नहीं पाएगा उसका पार्टनर। तभी हम देखते हैं फुजिता यहाँ पर आ जाता है। वो बिना नॉक किए अंदर आ जाता है और कहता है मुझे प्रैक्टिस करनी है, चीन मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कि चीन कहती है तुम बिल्कुल इडियट हो, तुम बिना नॉक किए अंदर आ गए। फिर वो दोनों यहीं पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ चीन कहती है मुझे तो मरीसा जो है बहुत ही अजीब लेसन दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं मरीसा यहाँ पर उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों से बात करना है मुझे, जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारा जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होने वाला है वो 25th को होने वाला है, तो तुम उसके लिए तैयार हो जाओ और तुम्हें जो है धीरे धीरे अपना लेवल अप करना है। फुजिता को अभी भी कन्फ्यूजन होता है कि वो कैसे कर सकता है, वो डी क्लास में है। यहाँ मरीसा बताती है कि जब भी तुमने जो दिया था डांस का कंपटीशन, वहाँ पर एक क्लास के लोग डांस कर रहे
गए थे, वहाँ भी तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आया है, तो तुम्हें इसमें भी जाना चाहिए। यहाँ फुजिता कहता है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि खुजी मियाँ भी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि फुजिता भी उस डांस में जाने वाला है, तो वो कहती है कि हाँ वो जाने वाला है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताती है कि खुजी मियाँ भी तुम्हारे साथ वहाँ पर कंपटीटर बनकर जाएगा, तो तुम्हें जो है जितना पड़ेगा तुम उसे हरा दोगे ना। यहाँ फुजिता के बोलने से पहले ही चीन बोलती है कि मुझे जो है उस कंपटीशन को जीतना है किसी भी हालत में। हम देखते हैं कि यहाँ पर फुजिता और चीन दोनों ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, और इन्हें जो है प्रैक्टिस करता हुआ सभी लोग देख रहे होते हैं। ये दोनों मन ही मन बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी एक क्लास के डांसर हैं। बट फुजिता और यहाँ पर चीन के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। चीन को लगता है कि यहाँ फुजिता एक बेकार डांसर है और वो गलती से इसकी पार्टनर बन चुकी है। हम देखते हैं सभी खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर बताती है माँ को कि वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम देखते हैं वो प्रैक्टिस करते वक्त सही से नहीं कर पाते, और यहाँ पर चीन जो है उसे कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर उसे धीरे धीरे जो है अंदर गुस्सा होने लग जाती है मन के अंदर। हम देखते हैं कि सभी जो है यहाँ पर गागू और यहाँ पर सुजुका और माँ को देख रहे होते हैं गेट से। यहाँ पर वो हाँ बताती है मरीसा कियो हारू को कि इनकी कोऑर्डिनेशन थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर बताता है कियो हारू कि हाँ तो आप सही कह रही हैं। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चीन और फुजिता की लड़ाई दोबारा से हो जाती है। लड़ाई पहले ही हुई थी, अब दोबारा हो गई। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ से चलती हूँ। वो जो है उसके पीछे जाता है, वो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो तुम चाहती हो वो मैं करूँगा। बट यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, और ऐसा बोल के वो यहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा। अब आपको भी लगेगा कि अब क्या होगा, क्योंकि अगला कंपटीशन तो आने ही वाला है, और यहाँ पर जो चीन है वो नाराज होकर चली गई है। अब इन दोनों के बीच में ट्रस्ट आता है कि नहीं आता है, और आएगा तो कैसा आएगा, और क्या ये डांस कर पाएंगे सही से, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।